बड़ी बहस जारी है हमारी, क्या साधु संत तय करेंगे बीजेपी में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रामविलास वेदांती जी, मेरा सवाल आपसे ये, और संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगी कि आपके मुताबिक बीजेपी में कौन सा नेता आपको ऐसा लगता है जो राष्ट्रवाद की जो परिभाषा आप लोग देते हैं उस पर खरा उतरता, और खासतौर पर जो एक बात आप कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने का जो सपना उसको पूरा करने की तरफ बीजेपी के भीतर आपको कौन सा नेता दिखाई देता है? मुझे विश्वास है बीजेपी जिस नेता को तय करेगी प्रधानमंत्री के लिए वही हमारा नेता होगा। संपूर्ण विश्व का हिंदू इसमें देख रहा है कि भारत बदलाव चाहता है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, महंगाई से देश की जनता उब चुकी है, इसलिए देश की जनता ये चाहती है कि कांग्रेस हटे और भाजपा आए। लेकिन वेदांती साहब, आप इस बात से सहमत होंगे कि मुख्तार अब्बास नकवी जब कहते हैं कि राष्ट्रवादी नेताओं में जो कद है नरेंद्र मोदी का वो बहुत बड़ा है, खुलकर जब मुख्तार अब्बास नकवी ये बात कहते हैं तो उससे क्या आप सहमति रखते हैं? राष्ट्रवादी नेताओं में नरेंद्र मोदी सबसे अच्छे हैं, लेकिन भाजपा में इस प्रकार सबसे अच्छे नेता कई हैं। राजनाथ सिंह भी सबसे अच्छे नेता हैं, अडवाणी भी अच्छे नेता हैं, अरुण जेटली भी अच्छे नेता हैं, सुषमा स्वराज भी अच्छे नेता हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस रेस में भी सबसे आगे नरेंद्र मोदी हैं। सुधांशु मित्तल जी, ये बात मान क्यों नहीं लेते आप? आपकी पार्टी इस बात को मान क्यों नहीं लेती? तो फिर जो ये अंतर्द्वंद जिसकी बात शकील अहमद कह रहे हैं वो खत्म हो जाएगा ना, कि नरेंद्र मोदी के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है हिंदू जनमानस। जी सुधांशु मित्तल जी, हिंदू जनमानस चाहता है भाजपा जिसको तय करेगी उसी को हम प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ाएंगे। जी जी सुधांशु, और जिसको भी भाजपा तय करेगी देश का साधु संत उसका समर्थन करेगा। जी सुधांशु जी बोलिए संक्षेप में। नेहा जी, हम किसको माने, किसको नहीं माने, किसको तय करें, किसको नहीं तय करें, कब करें, कहां करें, ये हम पे छोड़िए ना। मतलब हम अपनी रणनीति, हम अपने चुनाव में क्या क्या मुद्दे लेके जाएंगे या किसका चेहरे को लेके जाएंगे, ये हम तय करेंगे ना, या हम सब बीच बाजार में खड़े होके कहेंगे डुगडुगी लगा के आओ आओ देखो हम कैसे तय कर रहे हैं? हम पे कर लेने दीजिए। हमारे यहाँ सबको चिंता है कि 2013 में कांग्रेस से इस देश का पिंड छुड़ाना है, क्योंकि जो देश की हालत है उसमें अब एक राष्ट्रवादी सरकार के आने की बहुत जरूरत है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि सही मौके पे सही फैसले हो जाएंगे, उसकी चिंता ना करिए। और जैसे मैं फिर कह रहा हूं, ये प्रश्न कांग्रेस से भी उतना पूछ लीजिए ना, उनसे तो आप पूछते ही नहीं है, हमारे से नहीं, उस बात का तो उन्होंने जवाब दे दिया। चलिए इनको स्वीकार। सुधांशु जी, वक्त मेरे पास कम है। शकील अहमद साहब, बार बार सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि बार बार सवाल क्यों पूछा जा रहा है नरेंद्र मोदी को लेकर, लेकिन जिस तरह से लगातार बीजेपी के भीतर ही बड़े बड़े नेता अलग अलग सुरों में नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं, तो क्या ये सवाल उठता नहीं है? शकील अहमद साहब संक्षेप में। नहीं, बिल्कुल नहीं उठता है, इसलिए कि आप लोग चोंगा लगा देते हैं लोगों के मुंह में। सुषमा स्वराज जी गई गुजरात तो उनको चोंगा लगा दिया कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लायक हैं कि नहीं लायक हैं। कोई पार्टी का नेता गया है प्रचार करने पार्टी का, वो कैसे कह देगा कि वो अक्षम है नालायक है, सक्षम लायक माने सक्षम है नालायक माने अक्षम, कैसे कह देगा अपनी पार्टी के किसी नेता के बारे में, चाहे उससे दुश्मनी ही क्यों नहीं हो। कोई उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट दिया, कोई प्रेस रिलीज दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही, आपके टीवी के स्टिंगर लोग चोंगा मुंह में लगाते बोलिए, और हर आदमी उतना आर्टिकुलेट होता नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल इस बात से। अच्छा शकील जी, बहुत संक्षेप में, जब यशवंत सिन्हा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति की बात होनी चाहिए, जब मुख्तार अब्बास नकवी आज राष्ट्रवादी नेता की बात करते हैं और उसके साथ नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ते हैं, तो ये बातें तो मीडिया की कही हुई नहीं है, ये तो उनके अपने ही नेता हैं। शकील अहमद, लेकिन उन्होंने उसी समय कहा, मैंने सुना उनकी बात, बोले ऐसे कई नेता है हमारे यहाँ, आप लोग नरेंद्र मोदी पर ही जोर दे रहे हैं, इसलिए कि उनके वजह से मुझको लगता है कि आप लोगों को जरा टीआरपी कुछ बड़ी होती है, या फिर और दूसरा कोई जो पर्दे के पीछे कोई और मामला है, तो ये आप लोग बता सकते हैं। लेकिन उनके ही नेता कई लोगों का नाम ले रहे हैं, एक नेता को मैंने नहीं सुना, राम जेठमलानी जी जो सस्पेंड है उनको छोड़ के। और शकील जी, फिर आप ही कहते हैं कि अंतर्द्वंद भी है। शकील साहब, अगर हम आपसे चोंगा लगा के पूछे क्या पी चिदंबरम सबसे बेहतर उम्मीदवार होंगे प्रधानमंत्री के, तो आप क्या जवाब देंगे? सब लोग लेते हैं कि ऐसे कई नेता हैं, लेकिन आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, ये मुझको बात समझ में